सर आप बताइए आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं। सर मैं कोटा से हूँ, आपके पास में ही, यहाँ से 3 घंटे दूर, और मैं होटेलियर हूँ, मेरा होटल है और हॉस्टल है कोटा में। तो आप ये बताइए, जैसे ये आपका बेबी है नाउ इज 5 ईयर ओल्ड, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम नजर आई थी? सर बचपन में देखते थे तो इसका एक थंब ऐसा रहता था, तो हमने कोशिश भी करी, हमने जब ऐसे करो हम कोशिश भी करते तो वो नहीं हो पाता था। तो जिस दिन ये थोड़ा सा पता पड़ा हम इसको एक डॉक्टर के पास लेके गए, तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने सोते सोते ऐसा कुछ करा, तो बहुत से चिल्लाया, पर वो फिर 2 दिन बाद ही फिर वो वापस ऐसा होता। तो मैंने उन्हीं डॉक्टर को, मेरे फैमिली डॉक्टर है, मैंने उनको कॉल किया, तो बट ही सेड मत सोचो ज्यादा हो जाएगा, पर एक साल निकला सर तब भी नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला एक जयपुर से कोई डॉक्टर आते हैं करते हैं, उनको दिखाया था, तो पता पड़ा कि ट्रिगर था। तब पता पड़ा ये आज से 2.5 साल पुरानी बात होगी सर। कोशिश करते रहे, बीच में एक बार जयपुर भी आए, अनलकीली आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, किसी और मतलब और भी डॉक्टर से मिलेगा, तो उन्होंने कहा ये ट्रिगर थंब है, चाहो तो ऑपरेट करा लो, ये आप लोगों के ऊपर है। बट मेरी वाइफ और मेरे मदर हमेशा ये बोलती थी नहीं नहीं बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बट सर इसके ना लिखने में प्रॉब्लम आने लग गई थी, और ये जो चीज है जो यहाँ पे स्किन है ये बाहर आने लग गई थी, मोटा होने लग गया था, एक क्लस्टर बनने लग गया था सर यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे डर लगने लग गया। तो मैंने एक दिन वाइफ से बात बोली कि मैंने कहा अब ये चीज खराब होती जा रही है, अगर तुम लोग मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ कैसे भी करके, मैं कि ऑपरेट हो नहीं हो अच्छे डॉक्टर्स के पास। और सर लकीली जो मेरे ब्रदर इन लॉ है उनके किसी फ्रेंड के फादर को आपने बहुत एक सीवियर उससे निकाला है, उनका हाथ की कोई मेजर बहुत बड़ी सर्जरी थी, उनका शीशे से कुछ कट गया था, तो उनका ऑलमोस्ट हाथ वो ठीक करता, तो उनको आपने ठीक करा, तो वो हमारे को आपके पास लेके आए। और उन्होंने कहा कि नहीं यार जो इतना बड़ा और वो स्पेसिफिकली हैंड सर्जन ही है, तो एक बार हमारे कहने पे चलो। एंड आपने जिस तरीके से मेरी वाइफ की जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर करा, तो वो तो एक सर एक स्ट्रेंथ आ जाती है थोड़ा सा, जैसा आपने बताया कि नहीं हो जाएगा बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं मैडम से पूछूं कैसी कौन सी चीज थी जो आपको स्टॉप कर रही थी ऑपरेशन के लिए? मुझे लग रहा था समाओ छोटा सा बच्चा है, ऑपरेशन और बाय बर्थ प्रॉब्लम है, हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए, किसी ने बोला ठीक हो जाएगा, किसी ने बोला नहीं, इट्स लाइक ये एक मिथ था, मैं अपने आप ठीक नहीं हो सकती प्रॉब्लम, डेफिनेटली इसको हमको सर्जरी ही करानी पड़ती है, इट्स अ ट्रिगर थंब प्रॉब्लम। तो आप मुझे जब आपने डिसीजन कंबाइंड डिसीजन लिया आपस में कि नहीं अब नाउ विल गेट ऑपरेट, सो उस टाइम आपको क्या टेंशन हुई थी? एक टेंशन हुई होगी ना, हमने डिसीजन तो लिया, टेंशन ये थी कि मुझे सर्जरी के बाद ये ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मेरा मेजर बहुत इशू था कि अभी तो नॉर्मल है ही सही, वर्स्ट हो जाएगा या फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्या होगा, मतलब खराब ना हो जाएगा, राइट। तो इससे जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता लगा कि 110% ये है डेफिनेटली ठीक होएगा। जब सर ने मुझे श्योरिटी दी तो मैंने फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि हम यहीं पे करवाएंगे। तो ये ऑपरेशन कितनी देर चला था, आपको पता चला था कि ऑपरेशन? नहीं सर, द बेस्ट पार्ट इसमें, सॉरी मैं एक पार्ट लेना चाहूंगा, सर ने 6 बजे का टाइम दिया था, और ये सर मेरे से बोल रही थी कि नहीं नहीं ऐसे कौन पहुंचता था जल्दी, मैं तो सर 5 बजे उठ के बैठ गया और इन सबको मैंने रेडी कर रखा, 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग 6:15 बजे में पहुंच गया, और सर भी वहीं पे थे, तो सर हमारे को वेट नहीं करना पड़ा, जो एक वो होती है ना कि गूज़बम्स आते रहते हैं कि अब क्या होगा, एंजाइटी जो होती है वो सब हमारे को ज्यादा देर तो सर ने होने ही नहीं दिया, सर मेरे ख्याल से 7:45 बजे अंदर ले गए, और मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट के अंदर ये बाहर था, तो ऑपरेशन के बाद इसको किसी चीज की तकलीफ आपने फील करी कि हाँ ये जैसे इसको दर्द आपको ज्यादा बता रहा हो आपको, या कोई भी फीवर आया हो, कोई भी आपको फीलिंग आई कि हाँ यू आर नॉट एबल टू टैकल योर चाइल्ड? नहीं, बस ये था कि एनेस्थीसिया का थोड़ा सा इफेक्ट था, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल था। और छुट्टी आपकी उसी दिन कर दी थी या कुछ देर रोका था और फिर थोड़ी देर रोक करके जब ये और खाने पीने लग गया था, कोई इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसको ऑब्जर्व करके देन फाइनली इसको डिस्चार्ज। मतलब तो सर थैंकफुली हम सही जगह पे आए, सही भगवान के उससे हमारा भगवान ने हम लोग को सही जगह पे भेजा, अदरवाइज हम यहाँ नहीं पहुँच पाते ऑनेस्टली, क्योंकि सर